अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम करेंगे इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स और ये सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज हैं। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें फॉरवर्ड डिफरेंस लगाया एंड बैकवर्ड, उसका ये था कि जो डेटा पॉइंट्स हमने फाइंड करने थे वो या तो बिल्कुल स्टार्ट में थे या तो थे एंड में, दैट्स वाई हमने वो लगाया। अब हम देखेंगे अगर जो डेटा पॉइंट हमने फाइंड करना है अगर वो सेंटर में हो तो तब हम किस तरह से करेंगे। तो ये सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज हैं। इस वीडियो में हम चार फार्मूलाज करेंगे। मैंने इसीलिए एक ही बना दी क्योंकि ये ना इंटर रिलेटेड ही है, मतलब आपको पता चल जाएगा पैटर्न का कि किस तरह से ले रहे हैं। कंपैरिजन हो जाए ना तो बंदे के जहन में चीजें बैठ जाती हैं, इसलिए मैं एक तो ये करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, फिर बैकवर्ड हम लोग करेंगे, स्टर्लिंग करेंगे एंड एट द एंड बेसल्स फार्मूला। सही है, तो चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हियर इज अ क्वेश्चन, यूज सेंट्रल इंटरपोलेशन टू फाइंड वाई फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 9 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये हमें डाटा गिवन है, एक्स की वैल्यू 0, 4, 8, 12, 16। आप देख सकते हो कि ये इक्वल इंटरवल है, 4 -0, 4, 8 -4, 4। ठीक हो गया, मतलब इंटरवल की जो लेंथ है वो है 4। नेक्स्ट अब वाई मतलब वैल्यू ऑफ वाई कोरिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एक्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 द वैल्यू वाई इज 14। वी कैन ऑल्सो से दैट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये इस तरह से वैल्यूज हैं। अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम अपना टेबल ड्रॉ करेंगे जैसे पहले हम क्वेश्चंस में करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेबल, इसे इस तरह से ड्रॉ कर, एक्स देन एफ ऑफ एक्स, जैसा कि ऊपर में लिखा है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ, वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो एक्स की वैल्यू 0, 4, 8, 12, 16 हम इस तरह से ये लिख लेंगे वैल्यूज, और इनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज हैं वो भी हम इसी तरह से लिख लेंगे। सही, अब ये जो डिफरेंस टेबल है ये मैंने इसकी वैसे वीडियो भी बनाई हुई है सेपरेट, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको क्योंकि कुछ नए लोग भी होंगे। तो ये हमने जो ये वाली पॉइंट है ना, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट है, ये 24 - 14 करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, ठीक है। अगले वाली वैल्यू में से हम पीछे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगी वैल्यू। सिमिलरली अब ये दो वैल्यूज हैं, अब 32 में से 24 माइनस करेंगे वो गॉट 8। अब ये दो अगली आ गई 35 में 32, 3। इसी तरह 40 में से 35 माइनस किया 5। नेक्स्ट 8 में से 10 माइनस किया, मतलब 8 - 10 - 2 आ गया। 3 में से 8 माइनस किया, 3 - 8 - -5। सिमिलरली ये हमारे पास ये हमारा डिफरेंस टेबल आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम फॉरवर्ड से करेंगे, देन बैकवर्ड और फिर बाकी से। अब ये जो सेंट्रल डिफरेंस है ना, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में अगर आप लोग देखो वो कहते हैं यू सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर वाई फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 9। अब हम अगर अपने यहाँ वैल्यूज देखें तो एक्स इज इक्वल टू 9 जो है ये समवेयर इधर है, ठीक है, 8 और 12 के इन बिटवीन। तो हम क्योंकि ये 5 वैल्यू है ना, कोई इसी सेंटर वाली वैल्यू को हम अपनी जो बेस पॉइंट ले लेते हैं। इसे इनमें ए मैंने किया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिस एक्स नॉट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ वैसे ही ए लेते हैं कि मैंने फॉर्मूला में वो चीज यूज की हुई है। इसके जो कोरिस्पोंडिंग वैल्यू है ना, ये होगा हमारा वाई नॉट, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं वाई नॉट इस तरह से क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये सेंट्रल डिफरेंस की जरा से मतलब याद दहानी के लिए ना जरा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर हम इस तरह से वैल्यूज लिख लेंगे तो हमें ईजी हो जाएगा फॉर्मूला में पुट करने के लिए। अब वाई नॉट पीछे वाली वैल्यू को हम लेंगे वाई ऑफ -1, उससे पीछे वाई ऑफ -2। आगे जाएंगे वाई नॉट था तो ये आ गया y1 और ये हमारा आ गया y2। इसी तरह से अब ये देखना आप लोग, ये दो वैल्यूज है ना जो इससे आगे वाली है ना, ये 10, क्योंकि इसमें से इसको -24 - 14 किया था तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो इसको हम ये ऊपर वाले का देंगे, मतलब ये इसका होगा डेल्टा y ऑफ -2, ठीक हो गया। अब ये किस कैसे आया था, इन दोनों को करने से, तो मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना ये यहाँ पे आएगी, मतलब डेल्टा y -1। इसी तरह ये 3 आया था इन दोनों की वजह से, तो यहाँ आएगा डेल्टा y नॉट, और ये इन दोनों की वजह से, तो ये ऊपर वाला हमने लिखना है डेल्टा y1। सिमिलरली अब इन दोनों को सोल्व करने से ये आया था तो ये ऊपर वाला लिखेंगे विच इज डेल्टा स्क्वायर वाई ऑफ -2। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऊपर वाली भी हमने चीजें मैनेज कर ली ना। नेक्स्ट अब इन दोनों से आया तो ये आएगा, इसका नाम इस पॉइंट का नेम मैं रख लूँ डेल्टा स्क्वायर वाई ऑफ -1, इसको
ये मैं इसीलिए सारे कर रही हूँ ताकि ना आप लोगों को भूले नहीं, ठीक है। सिमिलरली वी कैन राइट ये क्यू वाई माइनस टू, आप लोग फॉरवर्ड कर लें वाई थ्री, इन दोनों को किया तो ये आ जाएगा क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू विच इज इक्वल टू वाई एफ नेगेटिव वन। सिमिलरली दीज थ्री टू वैल्यूज वी कैन राइट एस फोर एंड वाई एफ माइनस टू, सही हो गया। अब ये आ गई हमारे पास, इनके नाम आ गए इन पॉइंट्स के, आपको पता चलेगा जब अगर मैं फॉर्मूलाज में पुट करूंगी मैंने क्यों ये सारे लिखे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने करना है जी फॉरवर्ड वाला, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको अब पता चलेगा क्यों इसे ज़रा मैं फोल्ड कर लूँ। अब फॉरवर्ड हमने सबसे पहले करना है ना, तो उसके केस में ये जो हमारा बेस पॉइंट होगा, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देने वाली चीज़ है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग वाई नॉट हो गया ये वाला, फॉरवर्ड की बात हो रही है अभी। अब हमने क्योंकि फॉरवर्ड मतलब आगे को जाएंगे, इस तरह से ये वैल्यूज आएंगी, ये हो गया, इसके बाद ये वैल्यू होगी, ठीक हो गया। ऐसे ना इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ऊपर को जाएंगे, ठीक है, फिर नीचे को, फिर दोबारा ऐसे। ये है हमारा फॉरवर्ड के लिए, मतलब फॉर्मूला में हम इस तरह से ये लिखेंगे। अभी हम जब लिखेंगे ना तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये इस तरह से रख लेते हैं, चलिए ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ठीक हो गया। अब ये हमारा जो फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच यू, वेयर एच इज द लेंथ ऑफ इंटरवल, इज इक्वल टू, सबसे पहले अब देखो ये आएगा वाई नॉट, जो हमने पहले फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ा था ना उसके हिसाब से, मतलब ये जो यू वगैरह आता था ना वैसे ही आएगा, जैसे यू ओवर वन फैक्टोरियल। नेक्स्ट अब इसके साथ क्या आएगा, ये नीचे ये वाली चीज आएगी। अब पता चलेगा ना क्यों इस तरह से ईजी हो रहा है, क्यों हमने नेम रखे थे। अब फिर अगला है, लेकिन उससे पहले हम u की वैल्यूज लिख लें, विच इज इक्वल टू, जैसे फॉरवर्ड वाले फॉर्मूला में आता था u u माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, और ये वाली चीज विच इज डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, अब प्लस, अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, फॉर u प्लस वन आएगा, देन u u माइनस वन, ये बस याद करने वाला है, बाकी इस चीज़ को याद करने में आप लोगों को ना इशू नहीं होगा, ठीक है। ओवर थ्री फैक्टोरियल, पहले हमने क्या लिखा था, डेल स्केयर वाई माइनस वन, नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये वाली चीज आएगी विच इज डेल क्यूब वाई ऑफ माइनस वन प्लस ये यू प्लस वन, यू ये आ गया यू माइनस वन, यू माइनस टू ओवर, ये मैं नीचे कर लूँ, फोर फैक्टोरियल, और इसके साथ कौन सी चीज़ मल रही है, मैं आगे कर देती हूँ, चलो इधर ही आप, चलो यहाँ कर लेते हैं फोर, ये वाला ये एंड पॉइंट जो था ये पावर में है वाई ऑफ, ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ टू, ठीक हो गया। अब जो बैकवर्ड है उसे कैसे करना है, ये हम ना बाद में सोल्व कर लेते हैं, पहले एक मरतबा ताकि ना एक ही साथ में हम कर लें। अब बैकवर्ड के केस में हम क्या करेंगे वो देखते हैं हम लोग, इसके लिए डिफरेंट पेंसिल यूज कर लेते हैं, शुरू यहीं से होगा बैकवर्ड भी, ठीक है, लेकिन अब वो कैसे जाएगा बैक से, जैसे बैक में बैक करेंगे हम, जैसे ये यहां गया था बैकवर्ड में क्या करेंगे, यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे आएगा, फिर दोबारा ऐसे, ये ऐसे कर लेते हैं, खराब हो गया, फिर ऐसे, ठीक है, मतलब ये वैल्यू ये आएगी, देन दिस वन, फिर इधर आ जाएंगे, फिर ये, एंड एट द एंड ये वाली आ जाएगी, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में ये चीजें लिखते हैं, अगर बैकवर्ड का फॉर्मूला, सबसे पहले पता क्या करूं मैं, ये जैसे हम पहले बैकवर्ड और फॉरवर्ड के फॉर्मूला बड़े मैच होते थे, इस तरह ये देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं, ब्लर हो गया कैसे, चलें ये तो ये सेम ही आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू, अभी ये जो वाई नॉट वाली चीज़ें हैं ना ये ज़रा इसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, वो हम टेबल से देख के लिखेंगे, बाकी वाली चीज़ें मैं बताती हूँ क्या लिखना है। पहला तो वाई नॉट आएगा ना, ये तो पक्का है, प्लस ये अभी छोड़ दो, आना तो भैया, अब यू ओवर वन फैक्टोरियल यहाँ पे हम बाद में लिखेंगे, जैसे फॉरवर्ड वाले में अगर u माइनस वन है ना, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस है ना, बाकी वैसे ही, सॉरी मैं सोन लिखना भूल गई, मतलब आगे चलता जाएगा ना फॉर्मूला,
तो अब आगे हमारे आएगा u, माइनस वन है तो u प्लस वन, टू फैक्टोरियल प्लस, अब वो u प्लस वन था तो यहाँ आएगा u माइनस वन u, u प्लस वन ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस, u प्लस वन था तो यहाँ आ गया u माइनस वन, बाकी u, u प्लस वन, u प्लस टू डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल, ये जो चीज़ मल्टीप्लाई हो गई एंड सो ऑन. अब टेबल से देखना इजी होता हमें, वाई नॉट तो सबका ही सेम आना था, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, दूसरी टर्म y ऑफ माइनस वन, नेक्स्ट क्या नीचे मूव करो विच इज स्क्वायर y माइनस वन. अब क्या ऊपर को मूव करेंगे हम, क्या आना है थ्री y ऑफ माइनस टू. अब फिर क्या नीचे को मूव विच इज ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब वो जगह नहीं थी तो मुझे नीचे लिखना पड़ा, ठीक है. और इसी तरह ये फॉर्मूला चलता जाएगा, मोस्ट ऑफ टाइम फोर तक इसलिए लेते हैं क्योंकि आगे जाते जाते ना मतलब कोई खास खतर का मतलब फर्क नहीं पड़ता हमारे आंसर के ऊपर, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर क्वेश्चन में हम ना यहाँ फोर तक ही लेते हैं, ठीक हो गया. अब ये हमारी चीज़ है कि ये जो आगे आप लोग देख रहे हो कि मैंने ना ये इंटरवल मैंशन किया हुआ है. अब बाजू का वो कहते हैं जी सेंट्रल डिफरेंस तो फाइंड करना है, लेकिन वो नहीं बताएंगे आपको गॉस फॉरवर्ड से करोगे या गॉस बैकवर्ड से करोगे और स्ट्रीलिंग वट एवर. तो उससे हम यू की वैल्यू, मैं अभी बताती हूँ कि यू की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है. उससे हमें पता चलेगा कि अगर यू की वैल्यू जीरो एंड वन के इन बिटवीन हुई तो हम ये लगाएंगे गॉस फॉरवर्ड, इफ इट इज़ बिटवीन नेगेटिव वन एंड जीरो देन ये वाला लगाएंगे. इनसे भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये ज़रा एक्यूरेसी ज़्यादा हमारे आंसर की थोड़ी सी बढ़ जाती है. बाकी वो अगर आपको डायरेक्ट ही कह रहे हैं जी आप स्ट्रीलिंग से ही करें तो फिर तो यू जो भी है हम उसी से करेंगे. बाकी आप कर किसी से भी सकते हैं सेंट्रल डिफरेंस, ये मैं चार फॉर्मूलाज इस वीडियो के अंदर कराऊंगी, ठीक है. तो अब हम देख लेते हैं अब हमने अपनी वैल्यूज कैसे पुट करनी है. लेट्स सी, आप देख रहे हो एफ ऑफ ए प्लस एच ये होता है जोन सी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी. जैसे जो हमारा क्वेश्चन था ये, अगर आप देखो हमने वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू नाइन, मतलब एफ ऑफ नाइन फाइंड करना है, मतलब ये जो अंदर वाली चीज है ना ये है एफ ऑफ नाइन हमने फाइंड आउट करना है. अब क्योंकि आप देख रहे हो ए प्लस एच यू, इसका मतलब जरा ना ये रफ में कर रही हूँ, हम देख लेते हैं ए प्लस एच यू इसका मतलब ये किसके इक्वल है, नाइन के. ए क्या था हमारा जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, ये जो हम इसे बिल्कुल बेस पॉइंट अपना ले रहे हैं विच इज एट, और इसके कोरिस्पोंडिंग ये 32 था ना, इसकी तो भी जरूरत नहीं है. ए था हमारा एट, जो लेंथ थी हमारे इंटरवल की वो फोर थी. अब हमने यू की वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए सारा करें इज इक्वल टू नाइन, तो ये हो गया u इज इक्वल टू नाइन माइनस एट. अगर स्टेप बाय स्टेप ही चलो करते हैं, नाउ u इज इक्वल टू नाइन माइनस एट इज इक्वल टू वन एंड ये फोर डिवाइड हो गया, सो आंसर ऑफ u इज 0.25, ठीक है. अब ये हमारा u आ गया. अब वैल्यूज अब हमने पुट करनी है फॉर्मूला के अंदर, तो y नॉट हमारा यहाँ से अगर देखें, सर मैं नीचे कर लेती हूँ ताकि ईजी हो जाए. हम देखते हैं जी y नॉट, वट इज वाई नॉट, ए नॉट के जो बिल्कुल सामने है दिस इज 32 प्लस यू ओवर वन फैक्टोरियल, यू अभी हमने कैलकुलेट किया विच इज 0.25 प्लस 0.25 वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन. अब ये डेल्टा ऑफ वाई नॉट इसकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल ये जो इसके लिखी हुई हमने 3, इस तरह से कर लेते हैं आगे जी प्लस u इंटू यू माइनस वन, इसे हम मैंने वैसे कैलकुलेट किया था तो चलो वैसे आप अभी लिखो वैसे 0.25 माइनस वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, इसके साथ जो मल्टीप्लाई आ गया, और मैं यहाँ लिख लेती हूँ जगह की कमी की वजह से, इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर y माइनस वन इसकी वैल्यू है नेगेटिव 5, फॉरवर्ड वाला कर रहे हैं ना हम, नेगेटिव 5 प्लस फिर ये u प्लस वन, ये सारी वैल्यूज हम एक्चुअली मैं ऐसा करती हूँ डायरेक्टली लिख देती हूँ, आप लोग ना फिर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है. तो ये इस पूरे को अगर मैं मतलब वैल्यू वगैरह पुट करूँ ना तो ये आता है 7 और डेल 3y माइनस वन, सॉरी डेल 3y माइनस वन की वैल्यू हम 7 लिखते हैं 7, और इस चीज़ को अगर कैलकुलेट करें ना तो ये हमारे पास आता है माइनस 0.0391. नेक्स्ट इसकी वैल्यू y4 y ऑफ माइनस टू इज 10, तो ये आ गया जी प्लस 10, और इस पूरी टर्म को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये होती है 0.0171. तो मैंने फोर डेसिमल प्लेसेस तक लिया है ना, तो इस वजह से मेरा जो आंसर है वो आ रहा है
33.1163. At f x is equals to 9, the value of y is 33.1163. सही है। इसी तरह से जो हमारा बैकवर्ड वाला है इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका भी यही आंसर आ रहा है 33.1163 में भी अगर आप डेसिमल प्लेसिंग में तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए बट नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है फॉर्मूला स्टीलिंग फॉर्मूला। तो ये जो स्टीलिंग फॉर्मूला इज द एवरेज ऑफ गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड, दैट्स वाई मैंने इसी वीडियो में इसे भी कवर करना है। और एवरेज मतलब इनकी पहले इसको प्लस करेंगे पहली दो टर्म्स को एंड देन डिवाइडेड बाय टू। अब इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, याद करने में आसानी हो जाएगी। टू ये देखो वाई नॉट प्लस वाई नॉट टू वाई नॉट डिवाइडेड बाय टू, तो ये हमारा आ गया वाई नॉट ही आ गया। तो अब ये लिख लेते हैं हम स्टीलिंग फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू यहाँ आ गया वाई नॉट। अब नेक्स्ट टर्म हम देखें अगर इन दोनों को अगर यू कॉमन आ जाएगा दोनों में, कॉमन कह रही हूँ क्योंकि ऐड होना है ना, तो हम इस तरह से लिख लेते हैं यू यू फोर की तरह चल गया। चल तुम लोगों को तो पता है ना कि यू ही है, सॉरी मैं ऊपर कर लूँ नजर ही नहीं आ रहा। तो हम ये स्टीलिंग फॉर्मूला लिख लेंगे वाई नॉट प्लस वाई ऑफ माइनस वन दिस थिंग डिवाइडेड बाई टू क्योंकि वो एवरेज थी, देन प्लस। अब अगली दो टर्म्स जो हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, ये वाली सॉरी कौन सी ये वाली, ये पहली ये हो पहली दो हो गई, अब तीसरी u ऑफ u माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल और ये वाली u ऑफ u प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल। जब इन दोनों टर्म्स को ऐड करके टू पे डिवाइड करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से बनता है u स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि अगर किसी को ना याद हो, मतलब ये मतलब ऊपर वाले फॉर्मूला दोनों इजी है ना, तो उसे हम देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग याद कर सकते हैं वो भी ठीक है भाई। ये सॉरी मैंने टू टाइम लिख दिया है, हम बाकी की टर्म लिख देते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही कैलकुलेट करोगे। थ्री फैक्टोरियल डेल थ्री वाई ऑफ माइनस वन प्लस डेल थ्री वाई ऑफ माइनस, अगली दो टर्म्स को एड करके टू पे जब डिवाइड किए, नेक्स्ट प्लस यू स्क्वायर, ये यू है यानी कैसा डली जा रहा है, यू स्क्वायर माइनस वन ओवर फोर फैक्टोरियल फोर इंटू वाई माइनस टू, ठीक है। अब मैं यहाँ टेबल से बताती हूँ कि आप स्टीलिंग की जो वैल्यू है ना वो किस तरह से पुट करोगे। ये देखो जो अब हमारा ये बना हुआ है ना बिल्कुल, ये सबसे ईजी है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, क्योंकि इन दोनों को मिला के बनाया ना, सबसे पहले ये वैल्यू आएगी विच इज 32 यहाँ पे वाई नॉट की जगह पे, अगर मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करूँ ठीक है, वाई नॉट की जगह पे आ गई जी 32 वैल्यू आ जाएगी। देन इन दोनों को ऐड करके टू पे जब डिवाइड करेंगे तो इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरह से ये वाली, फिर ये इन दोनों को जो करेंगे वो वैल्यू यहाँ, मतलब ये फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सिर्फ ये चीज़ें करके डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, अब वैल्यू हम इसकी कैसे पुट करेंगे ये देखते हैं। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू ये पुट करने लगे हैं वाई नॉट विच इज 32, ये लिखते हैं इधर 32 प्लस यू की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में 0.25 ही है क्योंकि सेम ही है क्वेश्चन। देन अब क्योंकि ये एवरेज होती है इन दोनों का, मतलब ये जो अब ये स्टीलिंग है ना तो ये वैल्यू आएगी, उसके बाद ये जो दो ये वाला इस ये सीन बनेगा इसका, ये जो इन दोनों को मिला के बनेगा डायमंड से। अब इसका मतलब कि 8 प्लस 3 ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 विच इज 5.5, ठीक हो गया। नेक्स्ट यू स्क्वायर मतलब 0.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और अगला क्या है यहाँ पे कहाँ पे आता है ये पॉइंट माइनस फाइव पे, तो ये आ जाएगा साथ में माइनस फाइव। अगर नेक्स्ट देखें तो u इंटू यू स्क्वायर माइनस वन प्लस ये देखो 0.25 का स्क्वायर माइनस वन ओवर थ्री फैक्टोरियल, इसके ये माइनस फाइव आया था। अब नेक्स्ट पॉइंट इन दो ये दो पॉइंट इन दोनों को ऐड करेंगे एंड देन वी विल डिवाइडेड बाय टू, मतलब एवरेज है, तो ये आ जाता है हमारे पास टू। नेक्स्ट प्लस अगली टर्म ये वाली 0.25 का स्क्वायर 0.25 स्क्वायर माइनस वन
डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और ये जो एंड वाला पॉइंट हमारे विच इज 10, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ऑन। तो इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो अब आप लोग आंसर बताओगे कि क्या आता है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया स्टर्लिंग फॉर्मूला। अब हमारा लास्ट जो था वो अब आ गया बेसल्स फॉर्मूला। अब बेसल्स फॉर्मूला को कैसे करना है, इसमें पता क्या करना है, हमने स्टार्ट में 2 पॉइंट से स्टार्ट करना है। ऐसे हमारी इसका इस तरह से कुछ पैटर्न बनेगा, 2 फिर 1 पॉइंट आएगा, फिर 2 पॉइंट्स आएंगे, फिर 1 पॉइंट आएगा एंड देन फिर 2 पॉइंट्स आएंगे। अब हम इस तरह से ऐसे करके इसका ये पैटर्न बनेगा। अब देखते हैं कि टेबल पे किस तरह से होगा। 2 पॉइंट्स आने हैं, बेस तो हमारा यही रहना है, ये दो मतलब इन दोनों को ऐड करके, जैसे ये फॉर्मूला में है, अगर इन्हें ऐसे बराबर रख के हम जरा कर सके तो इन दोनों को ऐड किया क्योंकि ये 2 पॉइंट्स लेने अब ना, क्योंकि ये लास्ट है तो हम ऐसे कर लेते हैं। ये 2 पॉइंट्स लिए, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट u माइनस 1/2 1 फैक्टोरियल, ये तो याद ही भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब क्या आएगा, 2 पॉइंट्स के बाद मैंने क्या कहा था, 1 पॉइंट आएगा, मतलब ये वाला, ये 2 आए, फिर ये आएगा, फिर ये दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड वाला, फिर ये वाला 1 आएगा, फिर 2 पॉइंट आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं है तो हम यहाँ 0 ले लेंगे, मे बी कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे कुछ हो भी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से अब हम ये देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ये पहले 2 पॉइंट, फिर 1, फिर 2, फिर 1 एंड देन ऐसे। तो इसको इसका पता क्या होगा, आप सिर्फ ये u वाली वैल्यू याद करनी पड़ेगी, बाकी आपको पता होगा कि यहाँ पे हमने क्या, हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करने लगे हैं, कैसे करना है, पहले 2 पॉइंट्स इन्हें ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, तो हम कर लेते हैं जी 32 प्लस 35 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया, इसे प्रेस करेंगे ना तो डेसिमल में आ गया 33.5 आ गया, प्लस u माइनस 1/2, u हमारा था हमें पता है कि था 0.25 माइनस 1/2 होता है 0.5, दिस इज इक्वल टू माइनस 1.5। और इसके साथ अब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ये जो हमारा अगला था पॉइंट ये वाला विच इज 3, तो क्या आया हमारे पास, हमारे पास आ गया माइनस 0.75। नेक्स्ट u इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, u हमारा था 0.25 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा आ गया माइनस 0.0938। और अगला हमने इसका क्या करना था, अगले 2 पॉइंट्स 5 माइनस 5 एंड 2, इन दोनों को ऐड करके माइनस 5 और 2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड, मतलब एवरेज विच इज इक्वल टू माइनस 1.5, ठीक है। अगला हमारा क्या आएगा जी, प्लस, इसी तरह से इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बस आइडिया देने के लिए आपको ये भी कर लिया, तो अब हमारे ये 4 फॉर्मूलाज हो गए हैं कवर। अब एक मतलब सिर्फ रिवीजन के लिए कि देखें जी इनका पैटर्न क्या बनता है, सॉरी ब्लर हो गया था, फॉरवर्ड के लिए देखेंगे इन तीनों के लिए जो हमारे बने। तो फॉरवर्ड के लिए हमारा पैटर्न क्या होता है, हम ये स्टार्ट करते हैं नीचे को ऊपर को, फिर इस तरह से ऐसे, मतलब हमारा ये जाता है। बैकवर्ड में क्या होता है, ये पॉइंट पीछे को जाते हैं, ठीक है, एंड देन इस तरह से होता है, इसी तरह से जाते जाते हैं। स्टर्लिंग में क्या होता है, इस तरह से बनता है, 1 पॉइंट फिर इन 2 का एवरेज, फिर 1 पॉइंट फिर इन 2 का एवरेज, फिर 1 पॉइंट, मतलब ये कुछ इस तरह से बनती है। और ये जो बेसल्स, ये पहले 2 पॉइंट लेता है एंड देन ऐसे, इसका इस तरह से बनता है। तो ये फॉर्मूलाज को याद करने में भी आसानी हो जाएगी। एक मतलब आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो वैल्यू पुट करने आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इन 2 को लोगे उसकी वैल्यू लगा दोगे उस जगह पे। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको मजीद कौन से आप मेथड्स करना चाहते हैं। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।